कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय माना जाता है ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करते हैं उसे पूरे महीने गई पूजा के बराबर पुण्य मिलता है कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था इसके बाद देवताओं से प्रसन्न होकर काशी में सैकड़ों दीप जलाए थे तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथाएँ प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था जिसका वध शिवपुत्र कार्तिकेय के द्वारा हुआ था उस तारकासुर के तीन पुत्र थे जिनका नाम तारकाक्ष बिंदु कमलाक्ष था वह तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे वह तीनों परम शिव भक्त थे यद्यपि देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था इसलिए वह देवताओं से घृणा करते थे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे तीनों मेरू पर्वत पर चले गए और मेरू पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों का त्याग करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे उन तीनों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन तीनों को वर मांगने के लिए कहा ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह तीन असुर बोले परमपिता ब्रह्मा जी अगर आप हम पर प्रसन्न हो, तो हमें यह वर दें कि हम सभी के लिए अवध्य हो जाए हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाएं, सभी देवता हमसे पराजित हो जाएं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा हे महान असुरों इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया उसे मरना तो पड़ता ही है किसी को अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय करके वरदान मांगो जिससे मृत्यु का तुम्हारे निकट आना असंभव हो जाए ब्रह्मा की बात सुनकर तीनों भाई विचार कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रह सकें आप हमारे लिए ऐसे तीन नगरों का निर्माण करवाएं जहाँ पर पहुँचना देवताओं के लिए असंभव हो वह तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहें उन नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा हो उसके बाद तारकाक्ष ने सोवर्णमय नगर का बिंदुमाली ने चांदी का और कमलाक्ष ने वज्र समान लोहे के नगर का ब्रह्मा जी से वरदान मांगा वह तीनों शिवजी के परम भक्त थे इसलिए उन्होंने सोचा कि शिवजी हमारा वध कभी नहीं करेंगे यह सोचकर उन्होंने अपनी मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया उन तारका पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और जब पुष्कर आवृत के काल मेघों की वर्षा हो रही हो तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिले अन्यथा ना मिले ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्षों में एक बार होता है तब भगवान शिव एक दुर्लभ रथ पर चढ़कर एक ही बाण से एक इन तीन नगरों का नाश करें तो ही हमारा वध हो ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों से कहा ऐसा ही होगा उसके बाद उन्होंने उन्होंने माया माया दान दानव जो असुरों के शिल्पी हैं उनका आह्वान किया और उन्हें तारकासुरों पुत्रों के लिए तीन प्रकार के भवन निर्माण करने का आदेश दिया वह तीनों भवन वरदान के अनुसार सुवर्ण चांदी और लोहे के बने हुए थे उन नगरों में कैलाश शिखर के समान बड़े बड़े भवन थे उन नगरों में सभी वृक्ष कल्प वृक्ष के समान कामना को पूर्ण करने वाले थे उन नगरों में उन तीनों भाइयों ने बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक निवास किया उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर शिव की भक्ति करते हुए निवास किया वह जानते थे कि शिवजी उनके भक्तों का कभी अहित नहीं करते इसलिए वह निर्भय हो गए थे उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था उनके नगरों में वेद और पुराणों की धवनी गूंजती रहती थी इस कारण से उनके नगर और भी शक्तिशाली बन रहे थे एक तरफ वह शिव भक्ति के कारण बलवान बन रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञों हवनों और वेद धवनी पर प्रतिबंध पर रख दिया अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हत्या कर दी जिससे देवताओं को बल प्राप्त ना हो पुराणों में बहुत से असुर बतलाए गए जो बड़े शिव भक्त थे रावण भी एक महान शिव भक्त था परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करना पड़ता है ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर शिवजी की शरण में चले गए और शिवजी से तारकासुर के पुत्रों के विनाश के लिए प्रार्थना की उस समय शिवजी ने देवताओं से कहा जब तक वह तीन महान दैत्य मेरे भक्त हैं मैं उनका अहित नहीं करूँगा फिर भी वह तीनों मेरी भक्ति से बलवान होकर सृष्टि में अधर्म का फैलाव कर रहे हैं इसलिए तुम सब मिलकर कुछ ऐसा उपाय करो कि वह तीनों मेरी भक्ति से विमुख हो जाए शिवजी की आज्ञा के अनुसार देवताओं का यह कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया वह वेश में तीनों नगरों में गए और वहाँ वेदों के विरुद्ध उपदेश दिया उन नगरों के असुरों को अपनी वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया उस वेद विरुद्ध उपदेश से प्रभावित होकर उन नगरों की स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया जब वह तीनों नगर शिव भक्ति से विमुख हो गए तब उन्हें देवतागण शिव जी के पास आए और उन्हें उन तीन असुरों का उनके नगर के साथ नष्ट करने के लिए प्रार्थना की उसमें शिव जी ने देवताओं से कहा यद्यपि वह तीन असुर मेरी भक्ति से विमुख हुए हैं परंतु एक समय था जब वह मेरे परम भक्त थे इसलिए मैं उनका विनाश क्यों करूं? उनका विनाश भगवान विष्णु को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें मेरी भक्ति से विमुख किया है उस समय सभी देवता उदास हो गए यह देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु आप हम सबके राजा हैं भगवान विष्णु आपके युवराज हैं और मैं आपका पुरोहित हूँ यह सब देवता आपकी प्रजा है तो आपकी शरण में आई हैं मेरे वरदान के अनुसार उन तीन असुर आपके अलावा सभी के लिए अवध्य है इसलिए हम सब की रक्षा करें और उन असुरों का वध करें ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा आप मुझे राजा कह रहे हैं परंतु मेरे पास कोई ऐसा रथ नहीं जो राजा के पास होता है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई राजा के योग्य शस्त्र है मैं उनका विनाश कैसे करूं? उस समय ब्रह्मा जी ने आग... ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया गया वह रथ सोने का बना हुआ था उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विद्यमान थे अंतरिक्ष उस रथ पर का ऊपर का भाग था और मंद्रांचल उस रथ का बैठने का स्थान था ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने हिमालय से धनुष बनाया गया और वासुकी को प्रचंडा बनाया गया भगवान विष्णु उस धनुष के बाण और अग्निदेव उस बाण की नोक बने वेद उस रथ के अश्व बन गए संसार में जो भी कुछ तत्व थे वह सभी उस रथ में मौजूद थे उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से रथ पर सवार होने के लिए प्रार्थना की शिव जी के सवार होते ही वह रथ शिव के भार से नीचे झुक गया वेद रूपी अश्व शिवजी का भार सहन न कर पाए और जमीन पर बैठ गए सबको लगा कोई भूकंप आ गया है उस समय नंदी जी वहाँ उपस्थित हुए और उस रथ के नीचे जाकर शिवजी के भार को स्वयं सहन करने लग गए वह भी बड़ी मुश्किल से शिवजी की कृपा से शिवजी का बाहर सहन कर सके उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण पशु भाव में स्थित हो गए भगवान शिव उनके अधिपति हुए इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है उसके बाद ब्रह्मा ने उस रथ को हाँकना शुरू किया परंतु वह रथ आगे नहीं बढ़ा तब शिवजी की आज्ञा से सभी देवताओं ने विघन को दूर करने वाले गणनायक गणपति से प्रार्थना की कि वह रथ को आगे बढ़ने ली उसके बाद जब भगवान शिव जी ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया उस समय संयोगवश वह तीनों नगर एक ही रेखा में बने हुए थे शिव जी ने वह हिमालय स्वरूप धनुष पर बा भगवान विष्णु स्वरूप बाण का संधान किया बाण के संधान करते ही शिवजी के क्रोध से प्रभावित होकर वह तीनों नगर जलने लगे शिवजी के उस महान धनुष के द्वारा एक ही बाण में तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया शिवजी की कृपा से उन तीनों असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई देवताओं का कार्य भी सिद्ध हुआ उन तीन नगर में जो लोग शिवजी की भक्ति से विमुख नहीं हुए थे उनकी शिवजी ने रक्षा की इस तरह भगवान शिवजी ने तारकासुर के तीनों पुत्रों का अंत कर दिया और त्रिपुरारी कहलाए जय श्री हरि विष्णु अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद